शांति। आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा ने नंबर वन पावन से नंबर वन पतित बने, ऐसा क्यों? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का आदर्श है और वो नंबर वन पतित क्यों? बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि यही नंबर वन पावन बनता है और यही नंबर वन पतित भी बनता है, फिर मैं आकर इसे पतित से पावन बनाता हूं। ब्रह्मा क्यों नंबर वन पतित बना? बहुत सारे भाई बहनों का यही प्रश्न आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारा आदर्श है, हम उसे अपना आदर्श समझते हैं, वो भी पतित बनता है क्या? ये सृष्टि चक्र है। तो अच्छी तरह से समझना है कि सृष्टि चक्र में आने वाली सबसे पहली आत्मा श्री कृष्ण की, जो 100% प्योर 100% शुद्ध है, वो आत्मा सतयुग के आदि में पहले दिन आती है। नेक्स्ट टू गॉड 100%। नेक्स्ट टू गॉड क्यों कहा उसको? क्योंकि शिव बाबा जो है वो एवर 100% है, श्री कृष्ण की आत्मा 100 से 0 बनती है, फिर परमात्मा आकर उसे 0 से 100 बनाते हैं। ये लॉ है। इस लॉ को बहुत ध्यान से समझना है कि जैसे एक मकान बना नया, वो धीरे 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 खंडर में बदलता है, फिर खंडर को गिराकर नया बनाया जाता है। यही इस ड्रामा का नियम है कि परमात्मा आकर सारी संसार की आत्माओं को पावन बनाते हैं, फिर आत्माएं धीरे 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 पतित हो जाती हैं, तो फिर परमात्मा आकर पावन बनाते हैं, फिर पतित बन जाती है। परमात्मा कहते बच्चा मेरा आने का तब भी बनता है जब सारी दुनिया पतित हो गई हो, सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर हों, क्योंकि मैं सर्व का कल्याणकारी हूं, सर्व को पावन बनाने वाला हूं। तो ब्रह्मा की आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण बनती है, वही जन्म लेते लेते जब बिल्कुल पतित बन जाती है, तब परमात्मा आकर उसे पावन बनाते। इसलिए बाबा कहते ये ब्रह्मा पुरुषार्थी है, ब्रह्मा की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टूडेंट है, और जब वो पुरुषार्थी है, पावन बन रहा है, अभी बना नहीं है, जब वो पावन बनता है तो वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे ये नंबर वन था, 100% प्योर बना था, और फिर भक्ति भी इसने सबसे पहले शुरू की, और तमो प्रधान भी ये सबसे पहले बना। क्या तमो प्रधानता बनी? जो इतना 100% प्योर था उसकी तमो प्रधानता को हम क्या कहेंगे? देखो, सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने पढ़ाई भी पढ़ी, शादी भी की, बच्चे भी हुए, व्यापार भी किया। अब व्यापार के अंदर बल कितना भी कोई कुछ कहे, कितना भी कोई कुछ कहे, तो उसके अंदर
अपना मार्जिन तो रखना ही होता है ना, तभी तो इतना पैसा कमा सकते हैं। तो मार्जिन रखना भी बिना जितने का कोई चीज लाएंगे उतने का हम दूसरे को देंगे तो नहीं बनेगी ना बात, यही पतित बना है। और उसके बाद जब परमात्मा मिले तो ये भी दोनों खत्म। तो 100% प्योर बने, परमात्म डायरेक्शन पर चलकर इन्होंने अपने आप को 100% प्योर बनाया। इसलिए परमपिता परमात्मा आकर हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, यही 100% प्योर था, यही फिर नंबर 100% पतित बना। जब ये पतित बनता है, इसके साथ साथ सारा संसार भी पतित बनता है। मैं आकर इसके साथ साथ सारे संसार को भी एक साथ पावन बनाता हूं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।